आदाब, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मीठी मीठी बातों से मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी जाने कहाँ तुम थे, जाने कहाँ थे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे जर्रे की बात कर रही हूँ जो आफ्ताब बनना चाहता था, सूरज बनना चाहता था। उसने अपना हर काम हिम्मत, मेहनत और पूरी लगन के साथ किया, लेकिन अफसोस कि नतीजा कोई ख़ास नहीं निकला। और वो थे संगीतकार दत्ताराम। ने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था बहैसियत म्यूजिशियन। उसके बाद वो बड़े बड़े संगीतकारों के असिस्टेंट बन गए, फिर अरेंजर बन गए और बाद में फाइनली बन गए संगीतकार। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। दत्ताराम कहते थे कि मैं संगीतकार शंकर जयकिशन का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मेरा फिल्मी सफ़र शुरू हुआ था। वो मेरे मेंटोर थे। दत्ताराम का पूरा नाम था दत्ताराम वाटकर। वो 1929 में पैदा हुए थे गोवा में, एक बहुत ही गरीब परिवार में, और गरीबी भी ऐसी थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं हो पाई। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें। दत्ताराम की माँ सिंगर थी और बहुत छोटे छोटे शोज किया करती थी। दत्ताराम बहुत छोटे से थे तो उनकी माँ ने उन्हें ढोलक और तबला बजाना सिखवा दिया था। दत्ताराम कहते थे कि भगवान मेरी माँ की आत्मा को शांति दे, जो उन्होंने बचपन में ही मुझे ढोलक और तबला दोनों साज बजाना सिखवा दिया था, और उसी के बदौलत जिंदगी भर मेरी रोजी रोटी चलती रही। ओ मामा, ओ मामा, 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 घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, 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 दत्ताराम कहते थे कि मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी जब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे शर्मिंदा करते थे और कहते थे कि अरे दत्तू, अब तो तू खुद बन गया है संगीतकार, फिर भी तू जाता है दूसरे संगीतकारों के पास और उनके गानों में तबला और ढोलक बजाता है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? ये सुनता था मैं और सुनने के बाद कुछ नहीं कर सकता था, चुप हो जाता था। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा, ये जमाना जमाना। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा, ये जमाना जमाना। दत्ताराम ने मुश्किल से 17-18 फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन सुपरहिट संगीत दिया। आखिरी दिनों में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, काम मिलना भी बंद हो गया था बीमारी की वजह से, इसलिए वो दोबारा गोवा चले गए। डॉक्टर ने बताया कि आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है, फौरन ऑपरेशन करवाइए, लेकिन अफसोस कि ऑपरेशन नहीं हो पाया। उनके पास पैसे नहीं थे और ना ही कोई मदद करने वाला था, कोई मददगार नहीं था उनका। नतीजा ये हुआ कि 8 जून सन 2007 में दत्ताराम ये दुनिया छोड़ के चले गए। बहुत तकलीफ़ दे बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री को या दूसरे लोगों को ऐसे महान कलाकारों की मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं की। ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए सब्सक्राइब।